नमो नारायण जी। दोस्तों स्वागत है आपका नारायण एस्ट्रो इंडिया चैनल में आप सभी का। मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर नारायण आचार्य फ्रॉम चंडीगढ़ से। दोस्तों आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा से संबंधित। विदेश यात्रा क्यों रुक जाती है, क्यों वीजा में रिफ्यूजल आ जाती है? बहुत सारे लोग बोलते हैं नारायण जी मेरी कुंडली में इतनी बार प्रयास किया मेरा वीजा नहीं लगा, ऐसा कौन सा ग्रह है मेरा कुंडली में जो मुझे बार बार रोक रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कई कई साल से जिन्होंने अपनी फाइल लगा रखी है एक्सप्रेस वीजा के लिए या और दूसरे अलग अलग तरीकों से, स्टडी वीजा भी नहीं लगता बहुत लोगों का। बहुत लोग बिजनेस व्यवसाय के लिए प्रयास करते हैं उनका वीजा नहीं लगता, और बहुत लोग ऐसे होते हैं ऐसे मजाक में वीजा लगाया और उनका वीजा लग जाता है। दोस्तों मैं अभी कई सारी कंट्रियों में घूम के आया हूँ, मेरा अपना भी एक अनुभव बना, मैं आज अपना वो सारा अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि वीजा किन व्यक्तियों की कुंडली में, जैसे चंद्रमा है, जिनकी कुंडली में 12वां चंद्रमा है मान के चलिए, वो व्यक्ति विदेश यात्रा करता है वो प्रयास करता है तो उसका पहली बार में ही काम बन जाता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा छठे घर में है उनका भी बहुत जल्दी वीजा लगता है। एक होता है पंच महापुरुष योग, यानी बुध शुक्र गुरु शनि, पांच ग्रह जिनकी, मंगल, जिनकी कुंडली में ये पांच ग्रह इकट्ठे बैठे हों, पंच महापुरुष योग बनता हो, उनकी कुंडली में विदेश यात्रा जल्दी होती है। एक बात मैंने देखी, मेरी पहली विदेश यात्रा 2006 में हुई, फिर 2015 में मैं स्विट्जरलैंड यूरोप गया, फिर उसके बीच में भी कई सारी यात्राएं हुई और छोटी मोटी कंट्रियों की, इधर उधर दाएं बाएं की। इसके बाद फिर मेरी एक विदेश यात्रा सबसे बड़ी 2018-19 में हुई, और मैंने ये दशाओं का फल देखा कि इन दशाओं में, जैसे कि अब आपका नौवें भाव जो कुंडली में नौवां भाव है, नौवां भाव का जैसे ही शनि जो है नौवां भाव का मालिक, यानी नवमेश, मेरी कुंडली में नवमेश के सूर्य है, जब जब सूर्य अंतर आया तब तब विदेश के योग प्रबल योग बनाए। मेरा कहने का भाव क्या है, आपकी, मेरे ये अनुभव है, मैंने अपने ऊपर अजमा के देखे, मैंने खास अपने जो मित्र थे दोस्त थे उनकी कुंडली में अजमा के देखे। आपकी कुंडली में भी आप ध्यान से समझिएगा, जब छठे घर का, 12वें घर का, 9वें घर का मालिक की जब दशा अंतरदशा आएगी तो आपकी विदेश यात्रा जरूर होगी, विदेश से संबंधित आपकी जो मंशा है वो पूर्ण होगी। जिस व्यक्ति की कुंडली में सेकंड हाउस का मालिक, दूसरे भाव का मालिक जब नौवें भाव के साथ संबंध बनाता है तो ऐसे व्यक्ति विदेश से आजीविका प्राप्त करते हैं। जिनकी कुंडली में 12वें घर का मालिक छठे घर के साथ संबंध बनाता हो, छठे घर का, नौवें घर का, 12वें घर का संबंध अगर विशेष बनता हो तो ऐसे व्यक्ति विदेश जाते ही जाते हैं और उनकी आजीविका का साधन भी विदेश बनता है। अभी मेरी कुंडली में पिछले दिनों, अभी अगस्त 2022 में, जुलाई एंड में और अगस्त 2022 में मेरी कुंडली में जो योग बने सेकंड हाउस और नौवें भाव के जो मालिक जो थे, यानी सेकंड भाव का मालिक कौन हुआ, शनि हुआ, और नौवें भाव का मालिक कौन हुआ, सूर्य हुआ। शनि और सूर्य की जब अंतरदशाएं चली तो आप यकीन मानिए मेरी यात्राएं हुई। मैं अभी दोबारा से एक बार स्पेन गया, स्विट्जरलैंड गया, बेल्जियम गया, जर्मनी गया और स्पेन, ये मैंने पांच, नीदरलैंड भी गया, ये पांच छह कंट्रियों का इकट्ठा योग बना और मैंने वो पंच महापुरुष योग का निर्माण अपनी कुंडली में देखा, और ऐसा योग मैंने और बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा। मेरा तात्पर्य ये नहीं कि मैं बता रहा हूं आपको कि मैं वहां गया, मेरा ये अर्थ नहीं है बताने का, मैंने ये योग कब कब कुंडली में आए, कब कब विदेश यात्रा हुई। एक मैं चीज और बताता हूं, एक और भी इसका एंगल है, जब कोई बुरा ग्रह आपका जीवन में आता है तब भी आपकी विदेश यात्रा होती है, जब कोई कष्ट वाला समय आप पर आने वाला होता है तब भी आप विदेश यात्रा करते हैं। विदेश को बोलते हैं काला पानी, जब किसी जमाने में बोलते थे कि काले पानी की सजा दे दो इसको, जैसे महारानी एलिजाबेथ ने उनके देश में, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, जब कोई कुछ बुरे लोग थे तो उनको उन्होंने उठा के काले पानी की सजा क्या दी, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में उनके लिए वो वरदान बन गया। आज वो ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, जिनको आप रेड इंडियंस भी बोलते हैं, या जिनको जो पुराने जो बुरे लोग थे जो लंदन से जिन्होंने शिफ्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया में,
तो वो लोग वहां कामयाब हो गए, उन्होंने अपनी फसलें लगा ली और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने राज किया। ऐसे आप पुराने जमाने में देखोगे हमारे इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी काले पानी की सजा दी जाती थी, अंडमान निकोबार और बहुत सारे ऐसे द्वीप समूह थे जहां पर हमारे कैदियों को भेजा जाता था। तो जब आप विदेश जाते हैं, यानी कि जब आपका कुछ वक्त अप एंड डाउन आते हैं, तब भी आपका या तो कष्ट वाले कुछ योग आते हैं, नहीं तो फिर आप विदेश चले जाते हो। विदेश जाना आज के दिन एक फैशन बन गया। पहले जमाने में विदेश जाना, परिवार को छोड़ना, माता पिता को छोड़ना, रिश्तेदारों को छोड़ना, जमीन जायदाद घर परिवार को छोड़ना बहुत बड़ी बात माना जाता था कि कैसे कैसे अपनी कोई बंदा अपनी घर अपनी जमीन जायदाद मातृभूमि छोड़ के बाहर जाएगा। लेकिन आज भी वही योग आपकी कुंडली में आते हैं, जब आप वर्स्ट योग, जब आपका कोई बुरा समय चल रहा होता है, तब यकीन मानिए आपका विदेश यात्रा का योग का निर्माण होता है। इवन इसके अंदर मेरी एक और भी रिसर्च है, जैसे आपको कोई कानूनी पचड़े शुरू हुए या आपके कोई और परेशानियां शुरू हुई, तो जब आप यहाँ पर किसी बड़ी परेशानियों से जूझ रहे होते हो, किसी बड़ी बीमारियों से, बड़ी परेशानियों से, तो आप विदेश की तरफ कूच करें। अगर आपके पास पैसा है, वीजा मिल सकता है, आपके कागज पत्र ऐसे हैं, और नहीं भी है तो आप प्रयास करिए, चांसेस है कि आपको वीजा मिल जाएगा। मैंने उन भी लोगों पर स्टडी की जिन्होंने यहाँ पे कुछ गलत काम किए और कानून की वजह से वो लोग छोड़ के विदेश, देश छोड़ के विदेश चले गए, उनको वीजा मिल गया। उनका खराब समय चल रहा था तब उनको वीजा मिल गया। तो मैं ये नहीं कहता कि आप खराब समय में ही प्रयास करें, आपका अच्छा समय चल रहा है तब भी आप प्रयास करें। लेकिन अगर आपकी कुंडली में देखिए छठे घर का, नौवें घर का, बारहवें घर के ग्रह मजबूत हैं, या उन ग्रहों की दशा चल रही है, उन भावों की दशा चल रही है, तो आप प्रयास करिए, आपको विदेश में सेटलमेंट होने का, विदेश में जाने का आने का आपके योग बन जाएंगे चांसेस। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, विदेश में वीजा तब अप्लाई करें जब आपका नौवें भाव का, बारहवें भाव का या पांचवें भाव का ग्रह का दशा चल रहा हो, अंतरदशा चल रहा हो, महादशा शुरू हुआ हो, या गोचर में इन ग्रहों का विशेष प्रभाव शुरू हुआ हो। गोचर समझते हैं लाइव ट्रांजिट जो चलते हैं आकाश में, जिसे सूर्य हर एक महीने में राशि परिवर्तन करता है, शनि हर ढाई साल में अपनी एक राशि परिवर्तन करता है। तो सब ये ट्राइव जब लाइव ट्रांजिट जब शुरू होते हैं, तब आपकी कुंडली में देखिए कौन से ग्रहों की अंतरदशाएं प्रत्यंतरदशाएं चल रही हैं, तब यकीन मानिए आप विदेश यात्रा के लिए सक्षम होते हैं, आपके ग्रह आपको फेवर कर रहे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस पूरी यात्रा के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों पर स्टडी की, एनवायरमेंट पर स्टडी की। अभी जो मेरी विदेश यात्रा हुई, अभी जो मैंने 6 देशों की यात्रा की जिसमें दुबई भी शामिल था, और यूरोप के उन ठंडे इलाकों में भी गए जहां पर अभी गर्मी का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, जैसे लंदन का इस साल का रिकॉर्ड टूट गया है पिछले सालों के मुकाबले, इस बार जितनी गर्मी कभी उन्होंने सोची नहीं थी उतनी गर्मी भी वहां पे हुई है, और वहां पे नहीं पूरे यूरोप में हुई है। ये ग्लोबल वार्मिंग का समय चल रहा है, और हमें करना क्या है, सबको मिलकर के पेड़ पौधे लगाने पर ध्यान दें, पोल्यूशन से बचें, पोल्यूशन ना बढ़ाएं, पानी को बचाएं, धरती को बचाने पर बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, उसमें आप भी अपना कुछ ना कुछ योगदान जरूर दीजिए। सो दोस्तों, ये मेरे छोटे छोटे विचार थे, और इसके लिए मैं एक चीज आपको और सलाह दूंगा, जैसे कि खास करके जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं, अगर विदेश विदेश अभी वो वाला विदेश नहीं रहा कि आप सोचो कि मैं आज जाऊंगा तो कल मैं वहां कामयाब हो जाऊंगा, बहुत संघर्ष करना पड़ता है विदेश की लाइफ में। जब आप अपनी आरामदायक हिंदुस्तान की जिंदगी छोड़ के जाते हैं, तो वहां आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। इतनी इजी लाइफ नहीं है, इतनी इजी लाइफ नहीं है। मैं अपने स्पेन के एक दोस्त के रेस्टोरेंट में गया, उनके वास्तु किया, उनका मैंने वहां का कुंडली देखा, उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, उनकी पूरी स्टडी की। उन्होंने भी बताया, गुरुजी मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, ऐसे नहीं कि 15 साल मैंने ऐसे जीवन के लगाए, 15 साल उन्होंने स्पेन में बहुत सारे अलग अलग शहरों में उन्होंने अपने रेस्टोरेंट चलाए, और उनको चलाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो चीजें उनकी हमने समझी। आप मान के चलिए, मेरा एक और अनुभव मैंने देखा, अगर आपकी हिंदुस्तान में सपोज आप बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, आप यहाँ रोटी के लिए भी मोहताज हैं, लेकिन आपके पास स्किल्ड अच्छा है और आप रोटी के लिए भी यहाँ मोहताज हैं, आप स्ट्रगल यहाँ भी कर रहे हैं, स्ट्रगल आप विदेश में भी कर लेंगे, और आपकी एज आज 25 से 30 वर्ष तक की अगर है, तो आज आप विदेश में जाकर प्रयास करते तो नो डाउट आपके 2-3 सालों में, 4 सालों में वहां पे ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपकी रोजी रोटी चल पड़ेगी। लेकिन अगर आज आप यहाँ पे बढ़िया खा रहे हो, कमा रहे हो, अच्छी रोजी रोटी चल रही है, अच्छी नौकरी,
नौकरी चल रही है, अच्छे माता पिता परिवार साथ रहता है, तो दोस्तों आपको वहां जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और भी इसके कई सारे कारण हैं, ये एक बहुत सारी लंबी वीडियो भी इस पे बनाई जा सकती है। हर कंट्री का एक अलग माहौल है और आप यकीन मानिए आपसे ज्यादा स्किल्ड वाले लोग वहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं कई सालों से। हिंदुस्तान में आप दाल चटनी रोटी के साथ आप अपना टाइम पास कर लेते हैं, वहां तो हर चीज की वैल्यू है, वक्त की वैल्यू है। आज यहाँ पर आप अपने टाइम के पाबंद नहीं है, वहां पर तो एक एक सेकंड एक एक मिनट की वैल्यू है समय की। आप एक घंटा भी काम करते हैं तो उसके भी आपको वहां पर डॉलर मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, पाउंड मिलते हैं। यहाँ पर नो डाउट यहाँ पर बहुत सारी मजदूरी करने के बाद भी आपको उतना पैसा नहीं मिलता, जो कि विदेश में आपको मजदूर जो ज्यादा मेहनत करता है उसे ज्यादा मजदूरी मिलती है, ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आज वहां जाके कल रातों रात में अमीर बन जाऊंगा 6 महीने साल में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हिंदुस्तान से 10 टाइम ज्यादा वहां कंपटीशन है, जॉब की कंपटीशन है। वहां आपके स्किल्ड काम करते हैं, आप में अगर कुछ टैलेंट है तो आपकी वहां पर जॉब है, आपके पास वहां पर काम है। अगर आपके पास टैलेंट की कमी है, स्किल्ड पूरा नहीं है, तो आप एडी चोटी का जोर लगा लो, कुछ नहीं। सबसे पहले वहां काम आती है एजुकेशन, आप अपनी एजुकेशन के ऊपर की फोकस करिए। उसके बाद आपका व्यवहार, कितने आप मीठे हो, पेशेंस कितने आप में, सहन शक्ति कितनी है। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो तो भी आपके लिए मान के चलिए परेशानियां हैं बाहर। और दोस्तों अगर आप 40 साल की एज के आसपास चले गए हैं, तो आज आप अगर विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। पूरा एनवायरनमेंट, पूरी स्टडी, पूरा माहौल, चाहे आपके पास यहाँ पूरा अच्छा पैसा है, वहाँ पूरा पैसा शिफ्ट करके फिर भी आप विदेश में सेटल होते हो तो भी आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है दिल नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा जो आप नजारे हिंदुस्तान में लेते हो। और दूसरी बात ये कि अब हिंदुस्तान की जो मार्केट है, ओवरऑल जो आप देखेंगे जो स्टडी है, ये भी इंडिया बहुत आगे जा रहा है, हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, भारत कंट्री बहुत आगे जा रहा है। इकोनॉमी जो सिस्टम है वो हिंदुस्तान का बल्कि मजबूत हो रहा है। बाहर की कंट्रियां देखिए, श्रीलंका अभी डिस्टर्ब हो गया, अभी ब्रिटेन के हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, अभी पॉलिटिकल हालात आप देख रहे हैं ब्रिटेन के भी, फ्रांस के हालात पे देखिए, यूरोपियन कंट्रियों के हालात भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे अभी कोविड आया तो 2 साल में कोविड ने पूरी मार्केट को हिला के रखा, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री। और मैक्सिमम जो बाहर की कंट्री है, बहुत सारी कंट्री तो ऐसी है जो चलती टूरिज्म के सिर पे हैं। तो दोस्तों हमें हमारे टूरिज्म सिस्टम को, हिंदुस्तान के टूरिज्म सिस्टम को मजबूत करना होगा और हमें यहाँ पर ही अपने आप को डेवलप करने पर प्रयास करना होगा। यहाँ हमारे देश में हमारी सबसे ज्यादा जो बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारी कामयाबी, वो क्या है, हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या, ये हमारे लिए वरदान भी है एक तरीके से, क्योंकि जितनी चीजें हम यहाँ बना सकते हैं, जितनी चीजें बनाएंगे उतनी यहाँ कंजप्शन भी है, यहाँ पर खाने वाले लोग भी उतनी है, पैदा करने वाला है तो खाने वाला भी है। तो बाहर के लोग बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम कंट्रीज बाहर से इंपोर्ट करती हैं, बहुत सारी कंट्रीज, कुछ कंट्री हैं जो सेल्फ निर्भर हैं। स्विट्जरलैंड की बात करें तो काफी चीजें उनके पास हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास तो मैक्सिमम चीजें, जो अगर आज हमारा जो किसान है वो इतनी सब्जी लगाता है, इतनी फसलें लगाता है, बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रियां हैं। आज हमारे टाटा इंडस्ट्री देख लीजिए, महिंद्रा को देख लीजिए, बड़ी रिलायंस को देख लीजिए, बहुत सारी कंपनीज हैं हमारे पास, जो हमारी इंडस्ट्रियां, जो यहाँ पर हम अडानी समूह देख लीजिए, और बड़े बड़े ग्रुप हैं यहाँ पर, और छोटे छोटे ग्रुप भी बहुत सारे हैं। सो मेरे बहुत सारे ऐसे विचार हैं दोस्तों, मैं आपको बस इतना कहूंगा, आप अगर विदेश जाने के इच्छुक हैं तो इसके ऊपर थोड़ा आप मंथन कीजिए, पूरा अच्छे से स्टडी कीजिए और अपने बारे में अच्छे से सोचिए, और इसके ऊपर उसके बाद आप गहराई से निर्णय लीजिए। सो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरे ये विचार, मेरी ये चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर आपके विचार, आप मेरे विचार आपको कैसे लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण।